जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीसीआर मिश्रण में। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2023 का मैप रीडिंग का लास्ट क्लास हम लोग करेंगे, पार्ट थर्ड। हमने दो क्लासेस का कर लिया और आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो कौन कौन पढ़ के आए? अच्छा, सरोज भी आ गया। आप लोग, मैंने बताया था कि सरोज की ज्वाइनिंग लेटर आ गई है और ये महाराष्ट्र में ज्वाइनिंग करने वाले हैं आर्मी वाला। और सरोज, क्या हाल चाल? तो आप लोग को जिनको भी रनिंग टिप्स या फिर कोई टिप्स आर्मी के बारे में कुछ जानकारी लेना होगा, आप फरोज के पर्सनल आईडी इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मेरी इंस्टा आईडी पर इनकी आईडी है वहां पे और इनकी स्टोरी लगते रहती है। हाँ, सभी को जय हिंद। और ये कौन है? लवी नाम से आप कल क्लास में, तो आप ठीक है, अच्छे से यहाँ पे क्लास करनी है। अगर आपको क्लास करनी है तो नहीं तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, सभी को जय हिंद। तो गोल्डा पढ़ के आई आज, तो सुबह सुबह जग गए हो। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। बाकी जिनको अल्फा अल्फा अगर चाहिए तो आप होमवर्क करके तीनों टाइम आइएगा, ठीक है? स्पेशली ओरिजिनल मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज पूरा। जो लोग टॉपिक वाइज पे कमांड कर लेंगे उनको मॉडल पेपर अभी तक कोई नया क्वेश्चन आया ही नहीं होगा। तो टॉपिक वाइज जैसे जैसे पढ़ लो मॉडल पेपर इजी लगेगा। मॉडल पेपर टॉपिक वाइज कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे ही लेगा। जिनको पीडीएफ लेना होगा, पीडीएफ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, www.tejasinstitute.com। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें उसकी जानकारी इन प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख लेंगे। अच्छा, बढ़िया। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐप तो जल्दी आएगा, बस भाई का क्रेडिट कार्ड आ जाए। जो लोग नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? चलिए जल्दी। तो दीप्ति ने भी पढ़ लिया, चलिए आंसर बताइए। अजीत ईवीसी लिख रहा, हाथ से हम कितना डिग्री? चलिए फास्ट आंसर सभी का आना चाहिए। रामलाल कार्तिक, हाँ सभी को जय हिंद। शोभित आदिवासी ऑफिशियल, बढ़िया। जल्दी, हाथ से कितना डिग्री पूरा लिखो। हिमांशु 19 केवल लिख रहा, पूरा आंसर लिखना है। स्पेशली आप मेरे पास पढ़ते हैं तो शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। अब इसमें शॉर्टकट क्या होगा, इसका बस उतना ही, इतना छोटा सा है, उसमें भी आप शॉर्टकट कर रहे हो तो गलत है। मोनी कृष्णा, गोल्डी जिया पांडे, कार्तिक ठीक है, ब्यूटी गुड जोश, नीलम धीरू शिवशंकर, रूबी आप लोग ठीक हो, मोनू गलत, ठीक हो क्या? परफेक्ट है आपका। 19 डिग्री लिखो, 19 डिग्री, ठीक है? जो लोग 19 लिखे आप गलत हो। रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? चलिए फास्ट, हेमराज अभिषेक रोहित ठीक है, सरोज, सरोज आपकी ज्वाइनिंग कब है, किस डेट को कर रहे हो या फिर चले गए? रात के समय मार्चिंग के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल? फास्ट, जीतू हा जय हिंद। फास्ट बच्चा वाला क्वेश्चन है, जीतू अंशिका इंडियन बॉय, साजन और जीतू विकास, परफेक्ट है। शिवशंकर गलत है, पढ़ के नहीं आया। और बाकी लोग 26 को है, ठीक है ठीक है ठीक है। संडे को तो वहां तो मोबाइल यूज करोगे नहीं, ठीक है? जब टाइम मिलेगा तो पहले घर पे माँ से बात कर लेना, ठीक है? फिर टाइम मिलेगा तो किसी को करना। रंजन कुमारी, श्वेता पांडे, सत्यम और बाकी सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। राजन ठीक है, पंजाबर। रात के समय मार्चिंग करने के लिए नाइट मार्च चार्ट लिखो। कोई क्या लिख रहा है ना, मार्च को गायब कर दे रहा तो गलत हो जाएगा। पूरा आंसर लिखना है नाइट मार्च चार्ट का, ठीक है? डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? अजीत, एनसीसी सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड बी ग्रेड आने पर आईए में क्या कर सकते हो? डेड ग्राउंड को डिफाइन करें, व्हाट इज कॉल्ड डेड ग्राउंड, डेफिनेशन बताना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सरोज, आराम से। अनुराधा ठीक है, एनसीसी लवर नेविगेशन पार्टी, अरे चार्ट पूछा है, नेविगेशन पार्टी लिख रहे हो। मुन्ना से ठीक है, तुलसी ठीक है, कार्तिक कैसे बताया? चलिए फास्ट,
जल्दी। अरे हाँ हाँ सरोज, मोनी परफेक्ट, विकास गुरजोश, बाकी लोग जल्दी, कृष्णा ठीक है, यमराज एमपी का आप बटालियन से कांटेक्ट करें, जनवरी से ये स्टार्ट है ना सभी जगह। गोल्डा बिट्टू पांडे जी, धीरू ठीक है। अरे जल्दी डेड ग्राउंड, जैसे ये आप हो इधर, इधर आप खड़े हो, इधर आपका टारगेट है, ये मान लो ये टारगेट है, इसको बोलते हैं डेड ग्राउंड, इसको ये जमीन है। काजल ठीक है, शिवशंकर बढ़िया, और बाकी पीके परफेक्ट है, शोभित हाँ ठीक है, एक एक एग्जाम गीता अभी सही जा रहे। तो टारगेट और देखने वाले के बीच की दबी हुई जमीन को ठीक है, जो दिखाई नहीं देता उसे डेड ग्राउंड कहते हैं, सिंपल, जो नहीं पढ़े उनको इतना भी नहीं पता। परिभाषित करें ना, डेफिनेशन बताना है 3 नंबर का, ईस्टिंग लाइन किसे कहते हैं, ईस्टिंग लाइन। ये हो गया मैप, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था ना मैप रीडिंग में कल या परसों, इसको क्या कहते हैं, तो ईस्टिंग लाइन, इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न लाइन, ये ईस्टिंग लाइन है। डिफाइन, मैंने डायग्राम बना दिया, जल्दी सरोज। अब ब्यूटी लोग का क्या करना, ये लोग तो पिछले साल से सारा याद कर रखा है ना। अच्छा मोनी, धनराज गुड मॉर्निंग, चले जल्दी ईस्टिंग लाइन को डिफाइन करें, ये प्रैक्टिकल में भी पूछता है, जल्दी। मेरे टाइम में भी शायद पूछा था ईस्टिंग नॉर्दिंग का, और क्या पूछा था प्रैक्टिकल में, उसमें एफसीबीसी में पूछे थे, डिग्री वाला भी पूछा था। जल्दी से मानचित्र को, खड़ी लाइन को, राजन केवल खड़ी लाइन को ऐसे नहीं चलेगा, परफेक्ट आंसर बताइए। विशाल, लंबी खड़ी लाइन जो लेफ्ट से राइट की ओर जाती है, वाह लेफ्ट से राइट की ओर ऐसे नहीं लिखना, बढ़िया से पढ़ के आओ ना, समझते नहीं हो, काफी लोग का मिस्टेक है, परफेक्ट नहीं है आप लोग का आंसर। श्वेता पांडे पूरा लिख दी नीचे से ऊपर, बेटा ये मैंने आपको एरो से इंडिकेट भी कर दिया, फिर भी नीचे से ऊपर ये लिख रही है, देख रहे हो, एक लिख रहा हिमांशु भूरे और लाल रंग की खड़ी रेखा को स्ट्रिंग लाइन, आप लोग पढ़ के आए ना। स्ट्रिंग लाइन किसे कहते हैं, मानचित्र पर वह खड़ी रेखा, समझ लो वह खड़ी रेखा जिसकी क्रम संख्या यानी जिसका नंबरिंग, जैसे इसका नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, 20, 21, 22, 23 ऐसे करेंगे ना, इधर से इधर बढ़ेंगे, तो मानचित्र पर वह खड़ी रेखा जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाहिने की ओर जाती हो, यानी जिसका नंबरिंग लेफ्ट टू राइट जाता है उसे स्ट्रिंग लाइन कहते हैं, ये लिखना जरूरी है ठीक है। वह खड़ी रेखा जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाहिने की ओर हो। नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं, डिफाइन नॉर्दिंग, अब परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको स्ट्रिंग का बता दिया, अब ये सब नॉर्दिंग लाइन है, ये इधर ले लो 31, 32, 33, 34, तो नॉर्दिंग लाइन को डिफाइन करें, चलिए फास्ट। मेरे सरोज ये लोग पढ़ के नहीं आते बढ़िया से, एग्जाम जनवरी से ही इस बार शीश त्रिफट का भी बहुत जगह है, फिर भी इनका पूछो मत। नॉर्दिंग लाइन का डेफिनेशन जल्दी सरोज, ये लोग ए ग्रेड लेके वैसे धुआं धुआं कर दिया एक अटेम्प्ट में, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। एसआर न्यूज क्या लिख रहे हो, ईस्टिंग लाइन कहते हैं, चलिए फास्ट। मोनी गोल्डी, ब्यूटी परफेक्ट, सचिन गुड़जोस और बाकी जिया पांडे, कार्तिक, कार्तिक नॉर्थ इंग्लैंड कहते हैं, अच्छा नॉर्थ इंग्लैंड को नॉर्थ इंग्लैंड हो गया मिस्टेक से, पर पड़ी रेखा हाँ ठीक है। और बाकी कृष्णा, मतलब तुझे अभी भी समझ नहीं आया गधा, अरे विशाल समझते नहीं हो, नॉर्दिंग लाइन मानचित्र पर वह पड़ी रेखा जिसकी क्रम संख्या नीचे से ऊपर की ओर हो, क्रम संख्या लिखना पड़ेगा, यह नहीं कि जो नीचे से ऊपर जाती है, ऐसे नहीं चलेगा, गलत भी हो सकता है ठीक है, जिसकी नंबरिंग नीचे से ऊपर की ओर जाती हो वह पड़ी रेखा उसे नॉर्दिंग लाइन ठीक है। आपको समझाने के बाद भी ये हाल है। मैप रीडिंग में उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, 5 नंबर का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ इन मैप रीडिंग, चलिए जल्दी।
रंजन परफेक्ट, लव यू जिसका क्रम अटी के परफेक्ट है, तो पूरा लिखना ठीक है। शोभित रेखा जिसके ऊपर से नीचे आप बड़ी रेखा उसे नॉर्दिंग कहते हैं। भाई शोभित मतलब कमाल के आंसर लिखते हो, इतना गंदा। दाहिने से बाएं की ओर जाएं, अच्छा हम दाहिने से बाएं की ओर भाग जाएं, लोग क्या करते हैं? दाहिने से बाएं जाने वाली लाइन, दाहिने से बाएं कौन सी लाइन जाती है? मतलब कुछ भी लिखता है। चलो फास्ट जल्दी अनुज सिंह पूरा बताइए ना। अरे 5 नंबर का तो क्वेश्चन ही, आप केवल 3 लिख रहे, कम से कम 5 लिख दो, 5 नंबर में भी मिल जाए। पूरा बताओ, 3 लिखता है, उसका नाम कौन बताएगा? नहीं पढ़ के आओगे यही दिक्कत है। यश कुमार, जीतू, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, अभी आधा नंबर तक नहीं मिलेगा। गीता कुंतल, तोमर, तोमर का भी ठीक नहीं है, और सित्तू, विशाल, आप लोग ठीक हो? बाकी लोग, शिव शंकर, लव यू, बढ़िया, पूरा लिखना है ठीक है। अरे 5 नंबर का तो क्वेश्चन ही है। उत्तर 3 प्रकार के होते हैं मैप रीडिंग में, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, ग्रिड उत्तर। ये लोग TNMN GN लिखे हो, ये तरीका याद करने का ठीक है। TNMN और GN, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना है ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखोगे। नक्शा पढ़ने के क्या फायदे? 5 नंबर का 5 पॉइंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैप रीडिंग? चलिए जल्दी, एनसीसी लेवल ग्रीड और बास ठीक है। अच्छा वास्तविक लिख रहे, सही नहीं है ना, मतलब आप लोगों को एग्जाम में मैं थोड़ी ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसे ऊपर से जैसे बजरंगबली उड़ते हैं ना, वैसे थोड़ी मैं सबका ऐसे घूम के देख रहा। अरे तुम तो केवल 3 लिख दिया, नाम लिखो तो तुम लिखोगे, फिर ऐसे देख रहे आंसर अभी बता रहा सब नाम। तुम्हें खुद से समझना है ना कि 5 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है, तो भी पूरा लिखना है। नक्शा पढ़ने के फायदे जल्दी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैप रीडिंग? 5 पॉइंट बबुआ, मोनी ठीक है, कार्तिक 5 को बताओ, अंशिका ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, फिटनेस, काजल, सीता, सचिन, गुडजोश। किसी टारगेट की खोज में, किसी टारगेट की खोज में निकले हो हमले से यादव, और टारगेट आपको मिल नहीं रहा होगा, ये बहुत दुख की बात है। साजन, प्रियंका ठीक है, नायक, शिवम, 5 पॉइंट बताइए, 5 ठीक है, नहीं चलेगा ऐसे। गोल्डी ठीक है, प्रवीण तो पढ़ के क्यों नहीं आते, उसी का तो चल रहा है ना तैयारी। जिया पांडे ठीक है, शोभित, श्वेता, आप लोग ठीक हो? शोभित सिंह बढ़िया, एक के एग्जाम से बच्चा वाला क्वेश्चन है। ध्यान दें मैप रीडिंग के फायदे, इसका देखो आंसर कितना मतलब एकदम नॉर्मल है, अपना पोजीशन मालूम करना, दूसरा दुश्मन का पोजीशन मालूम करना, दो स्थानों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस पता करना, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव करना। अरे आप लोग को घर से भी कहीं जाना होता है तो मैप निकालते हो ना गूगल मैप, तो मार्च करने के लिए रास्ते का चुनाव करना, किसी भी स्थान की जानकारी हासिल करना, लड़ाई के समय गतिविधियों की योजना बनाना, किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाना, किसी भी स्थान का डिग्री मालूम करना, कोई 5 पॉइंट लिख सकते हैं ठीक है। मैप सेट करने की 2 विधियां बताएं और संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन थोड़ा नया 2022 में पूछा गया है कि मैप को सेट करने के 2 तरीके बताएं, 2 मेथड, और मैप सेट कैसे करते हैं, शॉर्ट्स में नोट लिखो। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, जो लोग नहीं पढ़े होंगे फंसेंगे। देखिए अल्फा सभी को दिलाऊंगा लेकिन आप मेरे रूल्स फॉलो करें, कम से कम पढ़ के आओ ना 1 घंटा। अरे सुबह में 4 बजे, बहुत लोग तो रनिंग जाते हैं ना आर्मी लवर, तो आप लोग थोड़ा पहले जग जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, क्लास करके खाना खाओ सो जाओ, आधे घंटे पढ़ के, मतलब हार्डली आप 11 बजे सो जाओ, आराम से 4 बजे जगो, 1 घंटा पढ़ लो, रनिंग वनिंग करके आओ, चले जल्दी। हाँ ठीक है सरोज, ओके जय हिंद, ठीक है आप जाना तो मैसेज करना। चलो फास्ट मैप सेट करने के 2 तरीके कौन कौन से, और शॉर्ट्स में नोट्स लिखे जल्दी।
ठीक है, बढ़िया। सबका आंसर आना चाहिए। धीरू काफी लेट हो। मोनी, अंशिका, ठीक है। अंशिका उसका दो तरीका नहीं बताई। मोनी एंड कंपास, ये वो कहाँ गया? ठीक है। शोभित, पहले मैप को खोलें और सीधा करें, मैप आपके ऊपर कंपास। अरे शोभित पढ़ क्या, इसका दो विधियां नहीं बता रहे हो? गोल्डा, काजल, आप लोग सब लोग वैसे ही लिख रहे हो। प्रियंका, कोई ये नहीं बता रहा, मतलब आप लोग पढ़ के नहीं है। अरे तो आपको दो नंबर मिलेगा ना इस पे, कमाल करते हो। दीपक, हाँ, जय हिंद। राजन, पढ़ के नहीं आते हो। मैप सेट करने के दो तरीके, कंपास द्वारा और दूसरा मैप द्वारा, ठीक है। ये पता नहीं वो कंपास मैप का लिखा हुआ है। अरे दोनों तो दोनों का यूज करते हैं ना। ई बटालियन से आंसर इसी पे कॉपी चेक हुआ, वही जब पूछा ना मैप सेट करने के तरीके, तो मुझे समझ नहीं आया भैया क्या लिख रहा। आप यही लिखेंगे ठीक है, एक कंपास द्वारा और दूसरा मैप द्वारा। इसकी व्याख्या यानी मैप को सेट करते कैसे, जिनको नहीं आता वैसे तो मैं प्रैक्टिकल का वीडियो अपलोड कर दूंगा एक एक करके, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं ठीक है। मैप को सेट करते कैसे, सबसे पहले मैप को खोल दो, मतलब ग्राउंड पे रखें, कंपास को खोल के मैप के ऊपर रख, कंपास को रखेंगे अब कैसे भैया? मैप के देशांतर व अक्षांश रेखा पर कंपास के टंग नॉच और थमरिंग नॉच को मिला, यानी मैप की जो काली रेखा होती है उस पर कंपास का टंग नॉच और थमरिंग को एक चीज में मिलाना है। अब मैप को दाहिने तरफ तब तक घुमाए, दाहिने घुमाना है बाएं नहीं, दाहिने तरफ तब तक घुमाए जब तक मैप की काली रेखा कंपास की हेयरलाइन और उत्तर दिशा को इंडिकेट करने वाली निडिल एक सीध में ना आ जाए। जब तीनों एक सीध में आ जाए तो कम मैप सेट हो गया। यानी सिंपल सबसे समझ लो, TN, MN और GN को एक सीध में लाना ही मैप सेट कहलाता है। TN ट्रू नॉर्थ जो मैप पे है उसको ले लेंगे, और मैग्नेटिक नॉर्थ कंपास की निडिल, और GN ग्रिड नॉर्थ, सॉरी ग्रिड नॉर्थ मैप वाला होगा, और ट्रू नॉर्थ जो उसका हेयर लाइन वगैरह सब जो सीध में होगा ठीक है। तो तीनों को एक सीध में करना मैप सेट कहलाता है। नेक्स्ट, ये भी नया क्वेश्चन 2022 का है। कार्डिनल बिंदु क्या होते हैं और उत्तर के कितने प्रकार होते हैं, 5 नंबर का। चलिए जल्दी, हीरू का नेट चलो। पायल राजपूत, अभी जग रहे हो आप लोग, टाइम से आए। आर्मी बॉय राहुल, राइडर राजा, सभी को जय हिंद। चलिए जल्दी, हाँ हाँ एक एक बार में पूरा आंसर नहीं हो पाएगा, एक ही एग्जाम। हाँ ठीक है। अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, अभी हो रहा है अभिनंदन, टाइम से जगो। कार्डिनल बिंदु क्या होता है और उत्तर के कितने प्रकार, अब क्वेश्चन में यह लिखा उत्तर के कितने प्रकार, लेकिन आपको पूरा लिखना है कौन कौन। चलिए जल्दी, हाँ ठीक है ठीक है, बाद में कर लेना जिनका नेटवर्क इशू है। अरे तो पूरा लिखो ना मोनी, ऐसे शॉर्टकट इतना। अरे राजपूत, एक बार जय हिंद, एक बार गुड मॉर्निंग, आंसर तो बताइए। चलिए फास्ट, विन को देखो, रानी कुमारी, इतना लेट क्यों आप लोग सोते हो? टाइम से जगो और पढ़ो बढ़िया से, ज्यादा टाइम नहीं है ना NCC एग्जाम में, तो 3 साल मेहनत की है तो 450+ तो बनता है ना। फिर जिनको ऑफिसर बनना होगा आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओगे, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। जल्दी गोल्डा, ठीक है। कार्तिक, बढ़िया। अरे कार्तिक, हाँ ठीक है। आरती, पूरा परफेक्ट आप लोग नहीं लिख रहे, पूरा बताइए ना उसमें। कर्णिल बिंदु, केवल आप लोग मेन बस डायरेक्शन का नाम लिख दिया। युचिता, ठीक है। जिया पांडे को देख लो। शिवम, ऐसे नहीं चलेगा। अंशिका, श्वेता, एक एग्जाम, ठीक है। NCC वॉरियर, हाँ मैंने एक लिंक ग्रुप में दे रखा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ठीक है, कि NCC न्यूज के लिए ग्रुप को ज्वाइन करें, तो आपको NCC के बारे में कैंप्स वगैरह जो भी लगता है उसकी जानकारी जो चाहिए ना कि कैंप में क्या क्या होता है। ये जो NCC वॉरियर जो चैनल है ना, अपना छोटा भाई है पटना से, तो इनका वो ग्रुप है जिसमें ये NCC से रिलेटेड सारे न्यूज इसमें अपडेट करेंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे ठीक है। ध्यान दें, इसका आंसर होगा, थोड़ा बढ़िया से लिखो, इसमें क्या करना है, 4 दिशाएं यानी 4 डायरेक्शन, जो मेन 4 डायरेक्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, प्रमुख दिशाएं कहलाती है, इन्हें ही कार्डिनल बिंदु कहते हैं। और उत्तर का तो पता है 3 प्रकार, वास्तविक, चुंबकीय, ग्रिड।
निम्न को परिभाषित करो ना, डेफिनेशन बताना। नॉल किसे कहते हैं? डिफाइन नॉल। चलिए फास्ट जल्दी साजन, साजन चले ससुराल, ऐसे नहीं होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कार्डिनल कहलाता है, कार्डिनल बिंदु भी नहीं लिखा, खतरनाक हो। रामलाल ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक ग्रिड नॉर्थ, मतलब क्या ये है? जीतू पढ़ के आइएगा आप लोग, नहीं अमित अभी तक तो नहीं। चले जल्दी नॉल को डिफाइन करें, नॉल किसे कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक में आता है ना, खाली स्थान, ये चीज खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो नॉल होता है आंसर। चलो फास्ट गोल्डी सचिन, ये लोग फिल इन द ब्लैंक वाला बता रहे, बढ़िया। शीतुआ ठीक है, करना बंधु रोहित बढ़िया से पढ़ के आओगे। आरती परफेक्ट, श्वेता परफेक्ट। पहाड़ी की ऊंची छोटा को राजा बाबू, सबसे ऊपरी पार्ट को उसको चोटी बोलते हैं। छोन ये दो नंबर का होगा, मैं भी तो पूरा लिखो, शॉर्टकट वाला उतना भी नहीं चलेगा। जिया पांडे परफेक्ट। ये पहाड़ी को ही नॉल कहते हैं, ठीक है तो फिर पहाड़ किसे कहेंगे? ये लिख दिया कि पहाड़ी को ही नॉल कहते हैं, इतना गंदा आंसर। सीता एक ही एग्जाम ठीक है, अनामिका हाँ ठीक है। अरे पायल उसका चिटिंग मार रही हो, तो उसका आंसर बहुत गंदा है, तुम्हारा भी। सत्यम ठीक है, ध्यान दे, नॉल किसे कहते हैं? पहाड़ियों की किसी श्रृंखला से एक अलग छोटी पहाड़ी जिसका आकार और ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होता है, वो नॉल कहलाता है, यानी टीला, यानी एक पृथक पहाड़ी को नॉल कहते हैं। दोनों में से कोई लिखना ठीक है। अरे फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़े ना कि एक पृथक पहाड़ी को खाली स्थान कहा जाता है, तो आंसर में क्या लिखते हो? नॉल, वो चीज भूल गए, ये वाला लिख दो या फिर ये वाला ठीक है। क्रेस्ट किसे कहते हैं? क्रेस्ट बताइएगा, आपके एग्जाम में पूछा है 2022 का ही है। धीरू जो किसी पहाड़ी की अपेक्षा गिरित छोटी होती है उसे, ठीक है लेकिन थोड़ा बढ़िया से लिखना पड़ेगा ना। रामलाल हु एंड हाउ द टॉप ऑफ एन आइसोलेटेड हिल बिटवीन द माउंटेन्स, हु एंड हाउ क्या होता है, क्या लिख रहे हो? फास्ट क्रेस्ट किसे कहते हैं? अरे तुलसी, कभी तो आंसर बताओ। तुलसी और ये गीता, ये लोग पूरा क्लास गप मारते हैं, पूछो मत। चलो फास्ट क्रेस्ट किसे कहते हैं जल्दी? सचिन मोनी गोल्डिया ठीक है, शोभित ठीक है, विक्रांत जय हिंद, इतना लेट। राजन अरे राजन गलत है, श्वेता पांडे पूरा गलत, ये टिल्ला का बता रही है क्रेस्ट में, अरे टिल्ला आगे आएगा ना। गंगवार हाथ जय गुड मॉर्निंग, एक ही एग्जाम। जिया पांडे राजा ठीक है, आप लोग ध्यान दे, क्रेस्ट किसे कहते हैं? किसी पहाड़ अथवा पर्वतमाला की चोटी को उसका क्रेस्ट यानी शिखर कहते हैं, ठीक है सिंपल तो है, चोटी को ही क्रेस्ट कहते हैं। अब इससे आसान क्या चाहिए, ये भी नहीं पढ़े। ड्यून किसे कहते हैं? ड्यून को डिफाइन करें, ड्यून का हिंदी टीला होता है ना। चले जल्दी फास्ट ठीक है, अभिजीत आपका वेलकम है तेजस फैमिली में, होमवर्क करके आना ठीक है। ड्यून किसे कहते हैं बताइएगा? कार्तिक ठीक है, जल्दी ये सब पढ़ना पड़ेगा, 6 नंबर का है ना ये, 3 को तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सारे। लीडरशिप में देखे थे ना, लीडरशिप में 15-15-30 नंबर का होता है, इस तरह से इसका डेफिनेशन लिखे, ये सब मुश्किल बहुत, इस समय बहुत लोग फंसते, ये सब पढ़ते नहीं है ना, मतलब ये सब 2% लोग पढ़ता है, उनका ही 450 प्लस और अल्फा आता है ईजीओ में, क्योंकि बहुत लोग, मैं भी अपने टाइम में इसे पढ़ता नहीं था, एग्जाम आया तो मुंह बन जाता है, तो अभी सारे पढ़ने पड़ेंगे ना आपको। जल्दी ड्यून किसे कहते हैं? साजन समतल जमीन पर बने हुए ठीक है, लेकिन परफेक्ट है लेकिन थोड़ा और बढ़िया से। और बाकी सुजीत गुडजोश
हाँ अरमान इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। हाँ ठीक है, आप कोचिंग जाओ। अरे कोचिंग कर लो, कोचिंग ये बाद में भी कर सकते हो। शोभित बढ़िया, हवा के बहाव से बने को टीला कहते हैं। सत्यम माने हवा से बहे, हवा से, हवा के बहाव से बने क्या चीज को टीला कहते हैं। तो कुछ भी लिखते हो। और बाकी अनामिका मिट्टी के बने ढेर को, मिट्टी के बने ढेर को नहीं कहते हैं। राठौर योगा जमीन के उभरे हुए भाग को, अरे ऐसे नहीं होता। ध्यान दे, हवा के वेग से रेत और मिट्टी आदि के एक बड़े ढेर अथवा टीले का रूप लेने पर ड्यून का निर्माण होता है। यानी हवा के तेज गति के कारण रेत या मिट्टी भी होगा, ठीक है, यानी बालू और मिट्टी के बने ढेर को यानी उसको टीला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यानी ड्यून। जीपीएस की विशेषताएं लिखो, 4 नंबर का। राइट द क्वालिटीज ऑफ जीपीएस, जीपीएस की विशेषता, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये क्या होता है। चले जल्दी फास्ट। अमन यादव हाथ जाएंगे इतना लेट, बताइएगा। देर आर अ टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स इन राजस्थान। अरे रामलाल आप इतना गंदा आंसर बनाते हैं। आशीष मैसेज आप कर लीजिएगा अगर दिक्कत होगा उसमें तो। चलो फास्ट राइट द क्वालिटीज ऑफ जीपीएस एनी फोर, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, यह कैसे बना होता है, यह क्या काम करता है। कोई चार, अरे नहीं, मेरे घर के बगल से ट्रेन जाती है, गांव से होकर गुजरती है, मतलब फिर भी यहाँ से 500-700 मीटर दूर है, लेकिन ट्रेन की साउंड काफी तेज होती है तो आपको स्पष्ट आवाज सुनाई देता है। फास्ट तो पढ़ के आइए ना, तो मुंह नहीं बनेगा। ठंडी बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं। जय हिंद सुजीत। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हेलीकॉप्टर द्वारा ही लिखता है कि किसी हेलीकॉप्टर द्वारा, वाह इतना गंदा लिखते हो। फिटनेस 1 पॉइंट ठीक है। अंतिका बस 2 पॉइंट और आरती ठीक है। कार्तिक बढ़िया। अरे कार्तिक पूरा बताओ। गोल्डा ठीक है। कोमल जीपीएस की मदद से किसी स्थान पर आसानी से, ऐसे नहीं चलेगा ना, 1 पॉइंट वो भी मतलब किसी तरह लुढ़क लुढ़क के, बस थोड़ा सा आधा नंबर मिलेगा। अरे फिटनेस कितना बार लिखोगे लोकेशन निकालना। श्वेता पांड्या ठीक है। अरे जीपीएस की इसका डेफिनेशन भी तो आपको याद होना चाहिए ना, कल ही तो पढ़े थे कि जीपीएस एक ऐसा यंत्र है जो 24 उपग्रह से मिलकर बना होता है। 1 पॉइंट हो गया। यह पृथ्वी पर किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। 2 पॉइंट। या 12 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। 3 पॉइंट। अब जीपीएस का इस्तेमाल लिख दो। फिर अच्छा विमानों में यूज होता है, गाड़ियों में यूज होता है, जहाजों में यूज होता है। कोई 5 पॉइंट ठीक है, 4 ही लिखना है ना। मेरा घर बिहार में है ना, आरा जिला। कोहरा है थोड़ा थोड़ा है ना अभी, ध्यान दे तो पूरा पढ़ के आना ठीक है। रिया लेकिन 3 पॉइंट ही लिखी, ध्यान दे इसमें होगा जो मैंने उसका डेफिनेशन वाला जो है 3 पॉइंट, वो इजी है ठीक है, डेफिनेशन में भी काम आएगा यहाँ भी काम आएगा। और अच्छा विमान जहाज में यूज होता है, युद्ध के मैदान में, आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बल द्वारा प्रयोग होता है, आम नागरिक वाहन में भी यूज करते हैं ना, या अर्धसैनिक वाहन के उसमें, सैनिक को घने जंगलों और पहाड़ों में रेगिस्तानों में मार्ग ढूंढने में मदद करता है, मछुआरों और पैदल यात्रियों द्वारा भी मार्ग ढूंढने में मदद के लिए प्रयोग करते हैं, और गाइडेड मिसाइल को भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर मार करने में मदद, मतलब जो भी मिसाइल होता है ना उसमें पहले से लोकेशन सेट करते ना कि यहाँ पर गिराना है, जैसे पाकिस्तान में भी मारा था ब्रह्मोस, लेकिन उसमें बारूद नहीं था, डराने के लिए बस मार दिया था, तो गाइडेड मिसाइल को भी उसके निर्धारित लक्ष्य पर मार करने में मदद करता है। नेक्स्ट बिना कंपास की मदद से आप दिन में उत्तर दिशा का पता कैसे लगा सकते हैं। 10 नंबर का है। अब यहाँ पर 10 नंबर का पूछिए, 20 नंबर का पूछिए, वही जो 5 पॉइंट है वही होगा। जल्दी विदाउट कंपास हाउ कैन वी फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन इन डे टाइम। अरे शोभित आपको तो फुल फॉर्म भी नहीं याद है जीपीएस का, पोजीशन लिखता है, तुम्हारा पोजीशन बिगड़ जाएगा ना जब रिजल्ट फंसेगा। पोजीशन होता है गधा, पोजीशनिंग होता है, एक फुल फॉर्म में आप लोग फंसते रहते हो। शंभू रवि हाँ जय हिंद।
रिया ठीक है, धीरू बढ़िया, बाकी लोग जल्दी से। विदाउट कंपास हाउ कैन वी फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन इन डे टाइम, मतलब दिन में। साहिल इतना लेट आते हो। जय हिंद। और ठीक है कार्तिक, राजन, गुडजोश, शोभित सिंह पीछे चल रहे ठीक है। साजन बिना कंपास के उत्तर दिशा का पता, वृक्षों से मस्जिद से। हाँ ठीक है, आदि से नहीं चलेगा, पांच लिखो, छह सात पॉइंट जो है पूरा। अंतिका ठीक है, हबीपुरा में एक पॉइंट लिखा, उसमें भी लिख दिया ध्रुव तारा। अरे दिन है, दिन है, आपको दिन में तारा बढ़िया से दिख जाएगा ठीक है, पढ़ो पढ़ो नहीं तो। सुजीत प्रवीण वाटी भी ध्रुव तारा लिख रहा है, इसको बी का पेपर देना बोलता है। अरे दिन में तुमको तारा दिखता है, एलियन हो क्या, छाया। पूरा बताओ ना, चार पॉइंट से नहीं चलेगा राठौर, पूरा बताइए। गोल्डिया ठीक है, और शिवम, जय हिंद, दीप्ति, अच्छा, ठीक है कोई ना। शोभित और प्रियंका, श्वेता ठीक है, क्यूटा, राजन आप लोग ठीक हो, अमित मतलब पढ़ क्या नहीं है सर। सूर्य विधि, ईदगाह द्वारा, मस्जिद विधि, जीपीएस, घड़ी विधि, पेड़ के पत्तों द्वारा और मंदिर विधि ठीक है, एक कब्र विधि है, तो कोई जितना है उतना लिख दो सब। सर्विस प्रोटेक्टर किसे कहते हैं, इसके कोई चार उपयोग बताओ, 10 नंबर का है, दो क्वेश्चन, पांच नंबर, पांच नंबर, ये क्वेश्चन होगा टफ क्योंकि तो सर्विस प्रोटेक्टर को डिफाइन भी करना है और इसके किसी चार यूज भी बताने हैं। एक बार में आप बताएंगे इसका डेफिनेशन, फिर दूसरे अटेम्प्ट में इसका चार यूज। चले जल्दी, रामाशी शाह जैन, मतलब पढ़ के आना है, दिन में बोलता है तारा, एक पॉइंट बताया वो भी गलत, दिन में तो कम से कम सूर्य भी लिख देते, तारा की जगह। सूर्य भी एक तारा है, चमकीला तारा है, बहुत बड़ा, पता है ना, तो सूर्य लिख देते। चलो फास्ट, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल प्रोटेक्ट सिस्टम है क्या सर जी, वो फिटनेस, ऐसे फिटनेस होता है, अभी तो बताया था ना, ग्लोबल पोजीशनिंग होता है ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस का। चलो फास्ट, एली होता है ना ग्लोबल। चले जल्दी, आपको एक फुल फॉर्म नहीं याद है, उसको देखो ना, वो फुल फॉर्म पूछ रहा है अभी, तो बाकी क्वेश्चन कैसे याद करोगे। जल्दी से, राजकुमार, जय हिंद, सुजीत, 7 इंच लंबा होता है, इसका डेफिनेशन, अब बहुत लोगों को डेफिनेशन बनाते हैं अब पढ़ के नहीं आते, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसकी लंबाई 6 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई होता है, यह प्लास्टिक और हाथी दांत का बना होता है या फिर सेलुलॉइड का, जिसकी लंबाई 6 इंच चौड़ाई 2 इंच होता है, इसका इस्तेमाल मानचित्र पर बियरिंग निकालने के लिए करते हैं और दूरी मापने के लिए करते हैं। हो गया डेफिनेशन, तो ज्यादा रट्टा नहीं माना, समझ के याद करना ठीक है, इसका मेन पॉइंट याद रखोगे, इसका यूज अब लिख दो, यूज में चार पॉइंट कोई लिख दो। रामलाल, रामलाल आप पढ़ के आएंगे। अंशिका तोमर पांडे ठीक है, गोल्डा ठीक है, कार्तिक ठीक है, और बाकी राजन, अभी तो आप तुम उसी का बता रहे हो, गुज्जर हाँ, जय हिंद, शोभित गलत, जिया पांडे ठीक है, चीतू ठीक है, नितिन एक एग्जाम, हाँ ठीक है, मतलब सिंपल ठीक है, पढ़ के आओगे तो इतना लंबा लिखने का कोई जरूरत भी नहीं ठीक है, जो मैंने बताया ना समझ के, कि अब सर्विस प्रोटेक्टर एक ऐसा यंत्र है जो प्लास्टिक हाथी दांत का बना होता है, जिसकी लंबाई 6 इंच चौड़ाई 2 इंच होती है, इसका इस्तेमाल हम लोग मानचित्र पर इस काम के लिए करते हैं। और अभी ये भी लिख सकते हो, सेना में इस समय आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर Mk3 α और Mk4 α का अधिक प्रचलन ठीक है, और इसका इस्तेमाल कोन पोजीशन निकालने में, GR यानी ग्रिड डिफरेंस निकालने में, मैप पर दूरी निकालने में, और इससे स्केल का काम करते हैं, और एक पॉइंट बियरिंग भी निकालते हैं ठीक है, बियरिंग भी मेजर करते हैं। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन था उसी का, इसको याद कर लेंगे ठीक है, ये डेफिनेशन पूछता है कि
कि परिभाषित करें, 6 नंबर का पूछा था, सर्विस प्रोटेक्टर, रोमर, प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट, मानचित्र को सेट कैसे करते, विस्तार से लिखे, 5 नंबर का, अभी पूरा 5 नंबर का है तो बढ़िया से एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा, एक एक स्टेप। हाउ कैन वी सेट मैप, डिस्क्राइब। पिंकी, जय हिंद। ओमवीर, आप लोग अभी आ रहे हो? 84, ये तो 2 साल बाद आ रहा। सभी को जय हिंद। सोनू, जय हिंद। चलिए आंसर भी बताइए। मानचित्र को सेट कैसे करते हैं, पूरा अच्छे से एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। और जिन लोग का प्रीटेस्ट होगा, गोल्डी तुम्हारा प्रीटेस्ट कब है? 5 जनवरी को है, कब बता रही थी? जिनका प्रीटेस्ट होगा आप मुझे मॉडल पेपर, एक पता नहीं किसका हुआ था, उसने मॉडल पेपर भेजा ही नहीं, कोई था क्लास में कहता, तो जिनका प्रीटेस्ट होगा आप मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है, किसी पीआईएस से मॉडल पेपर मांग के। एक जो मॉडल पेपर 18 UP का है उसका मैंने आंसर थोड़ा सा बाकी बनाना, 2-3 क्वेश्चन रहे थे, उसका मैं सारे आंसर के साथ बता दूंगा, ठीक है। चले जल्दी। सभी को जय हिंद। हाँ तो विजय उसी का चल रहा है ना, चलो फास्ट। जिया पांडे, ठीक है। गोस्वामी, अभी पीछे चल रहे हो। गोल्डी, ठीक है। कंपास को मैप की काली लाइन, रवि कुंतल, हो गया सेट कर दिया मैप, लगते है कंपास को मैप की काली लाइन। सुजीत, मानचित्र का, ठीक है। साजन, बढ़िया। अरे साजन तू क्या बात बना रहा है, पढ़ क्या। कार्तिक, ठीक है। जब तक भाई सेट ना हो, साजन कमाल करते हो। महेश, आंसर बताइए। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था ना मैप सेट, कमाल है। अरे थोड़ी देर पहले समझाया था कि क्या क्या करते इसमें। तुम्हारा ठीक है। और बाकी पायल को देखो, ये गूगल सर्च मार रही उधर, जीपीएस वाला। अमेरिकी सेना ने पहली बार 1960 के दशक में जीपीएस तकनीक के ऊपर काम किया और अगले कुछ दशकों में नागरिक के उपयोग के लिए इसका विस्तार किया। अरे पायल पढ़ के आना है, गूगल सर्च मार के लिखती है, मतलब कमाल करती है, देख रहे कितना ये लोग दिमाग बहुत इधर उधर लगाते हैं। आरती, श्वेता, ठीक है। सत्यम, लेकिन पूरा नहीं लिखे ना, रामलाल ऐसे नहीं चलेगा। अरे मैप को सेट कैसे करते, पहले मैप को खोले, नीचे रख दे, कंपास की हेयर लाइन वो मैप की काली लाइन के सीध में रखे और मैप को धीरे धीरे तब तक दाहिने तरफ घुमाए जब तक कंपास की हेयर लाइन मैप की काली रेखा और कंपास की निडिल जो मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाती है एक सीध में ना आ जाए, जब तीनों एक सीध में आ जाए तो समझिए कि आपका मैप सेट हो गया, यानी TN, MN और GN को एक सीध में कर देना ही मैप सेट कहलाता है। तो आप समझते ही नहीं हो कि रट्टा नहीं मानना, समझ गए, ठीक है। मानचित्र पर ऑन पोजिशन कैसे निकाले, 5 नंबर का है, इसका वीडियो मेरे पास नहीं है, बस ऑन पोजिशन निकालना नहीं है। पिछला साल जो मैं वीडियो बनाने गया था ना अपने बटालियन पुलिस में क्लास जो चलता है, तो गर्ल्स लोग उस टाइम होली था, फाइनल एग्जाम था, तब मैं गया था, इसका भी सबका बना लिया, इसका बनाना था, वो सब होली शुरू कर दी, होली खेलना, सब बॉयज लोग भी फिर खेलने लगा, हो गया। तो इस बार मैं जाऊंगा, ठीक है, इस बार इसका भी बना लूंगा। बाकी मैप सेट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, कंपास से डिग्री कैसे मेजर करते हैं, सर्विस प्रोटेक्टर से मैप पर कैसे डिग्री मेजर करते हैं, वो सारा मैंने वीडियो बना रखा है, अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एक एक करके। ये सब पारंपरिक संकेत चाहिए, ये सब पूछता है 10 नंबर, ये सब पूछा गया। सर्वेटरी, पूल, चर्च, मस्जिद, इन्फेंट्री बटालियन, इधर फिर ब्रिज, इन्फेंट्री प्लाटून, ये सब मैंने बना रखा है, देख रहे हो। LMG, मंदिर, ईदगाह, सर्किट हाउस, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये सब आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। किला का तो बहुत सिंपल होता है, किला का पता है ना, ये अक्सर पूछता है किला, ये हो गया किला, ऐसे ऐसे कर दो, ये किला है, देख रहे हो, एकदम सुंदर था, बहुत पूछता है ये सब भी। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये सारा एग्जाम में पूछा है, अभी तक जितना पूछा है ना वो सारा है, ये अब तक जितना पूछा ये सब कवर, रेलवे ट्रैक, पूर्व पुलिस स्टेशन, कंट्रोल्स, जितना पूछा सारे मैंने आपको बता रखा, ठीक है, ये सब अच्छे से आप पढ़ लेंगे।
इतने ही था आज के क्लास में। हाँ मुशरफ उसी का है। गोल्डा धीरुआ ठीक है। साजन तुम्हारा सही कहाँ था, तुम इतना गंदा बात बनाते हो ना। हाँ ठीक है विक्रांत, आप परेड कर लेंगे बढ़िया से। किला का मतलब उसका सुंदर है, इजी है और बहुत पूछता है। जिनको पीडीएफ लेना होगा, पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। पीडीएफ में आपको सारे मिल जाएंगे नोट्स, टॉपिक वाइज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे। और शाम में 4 बजे जो अपना दूसरा चैनल है आर्मी नंबर तेजस वाला, उस पर क्विज टेस्ट होता है, तो आप लोग टेस्ट दे लिया करें। ठीक है, आज होगा नेशनल एग्जाम का सर 67 क्वेश्चन का। और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, जिनको पीडीएफ लेना होगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें उसका प्रोसेस, इन दोनों प्लेलिस्ट में से किसी में भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, और जो लोग नए हो, जिन्हें होमवर्क नहीं मिलता पढ़े कहाँ से, और जिनको पीडीएफ में कोई दिक्कत होता है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, 6 ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई एक ग्रुप ज्वाइन करना। प्ले स्टोर का जो ऐप है ना ऐप, तो भाई का जब तक क्रेडिट कार्ड नहीं आता आ जाएगा, बस ऐप इशू कर दूंगा। ठीक है, डाटा अवेलेबल है उस पर। हाँ सभी को जय हिंद और लव यू, आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, और क्लास में कभी वैसा बात नहीं बोलना जिससे किसी को दिक्कत हो। कल ये बोल रहा है ना, पता नहीं इसको क्या नीड है, तुम्हारे घर पे नहीं है लोग, फिर ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो या फिर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोनों जगह होमवर्क भेजते हो। और इंस्टा आईडी आप फॉलो कर लेंगे जो लोग इंस्टा पर होंगे। ठीक है, फिर कल का होमवर्क सुन लो, कल सुबह में 7 बजे FCBC का Part 1, या फिर कल 4 figure 6 figure करोगे, कल सुबह में 4 figure 6 figure या फिर 4 figure 6 figure हम लोग आर्मी लेवल तेजस वाले पे करेंगे। ठीक है, ठीक उससे उसको साइड से कर लेते हैं। कल सुबह में FCBC यानी फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट का फर्स्ट क्लास करेंगे। आज शाम में 6:50 में मॉडल पेपर 5 ओरिजिनल पढ़ लेना, क्या दिकमान आरती। और आज शाम में 8:05 में ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होगा, कौन सा, आज लीडरशिप के 20 क्वेश्चन बचे और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पढ़ के आइएगा। अब इसको देखो अभिषेक, ये क्या खेल रहा। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।